Hello guys, good morning all of you. Today we learn class 9 mathematics. चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल का पढ़ चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। ये किसका पार्ट है? मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। जैसे कि हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं या फिर मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, ये टोटली मैथमेटिक्स का ही पार्ट है। तो एज ए क्वाड्रेंट ज्योमेट्री इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं विथ द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। किसके हेल्प से? अलजेब्रा के हेल्प से, यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके यूज करके? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जाने कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। तो इसमें हम लोग नंबर को ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ऑर्डर पेयर मीन्स क्या होता है? एक्स वाई, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स उसके बाद वाई। तो मान लीजिए 2 और 3, ये ऑर्डर पेयर में ये कोऑर्डिनेट है। और पूरे सिस्टम कैसे बनता है, आइए इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करें। तो ज्योमेट्री का डिफाइन आप लोग ने जाना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिख भी दें, तो चलिए लिख भी दे रहे हैं, आप ध्यान से देखें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स इन विच स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स थ्रू अलजेब्रा। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं हम लोग? अलजेब्रा यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफाइन हमने दे दिया, आप लिख लेंगे क्या होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच अ स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का स्टडी करते हैं थ्रू अलजेब्रा, अलजेब्रा के थ्रू यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो टोटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखिए करने जा रहे हैं। एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस एक्स एंड एक्स एक्स, ये वाई एंड वाई एक्स। ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस जहां इंटरसेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। इसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। Where x and y axis intersect each other at right angle, this point are known as origin. Okay. Next, x axis are also known as abscissa. X axis को हम लोग क्या कहते हैं? Abscissa कहते हैं। एंड वाई एक्सिस को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। ये
एक्स एक्सिस आर ऑल्सो नोन एज एब्सिसा एंड वाई एक्सिस आर ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, ये इसका नेमिंग है। और इस टोटल सिस्टम को वेयर एक्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट आर नोन एज कार्टेशियन प्लेन। इस टोटल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। क्या है? कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ रहा है, तो ये हुआ आपका। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट तो कर रहा है दूसरे को राइट एंगल पर, बट इससे फोर पार्ट्स का डिवीजन हो रहा है। तो उस फोर पार्ट्स में ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये आपका फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ ओरिजिन को ओ से इंडिकेट कर दिया जाए तो फर्स्ट पार्ट को एक्स और वाई, फर्स्ट पार्ट कौन है एक्स ओ वाई, सेकंड पार्ट कौन है वाई ओ एक्स डैश, वाई ओ एक्स डैश, थर्ड पार्ट एक्स डैश ओ वाई डैश, फोर्थ पार्ट एक्स ओ वाई डैश, सेकेंड पार्ट को एक्स डैश, या सेकेंड पार्ट को ऐसे लिख लीजिए एक्स डैश ओ वाई। ठीक है, तो यहां हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को देखा और ईच पार्ट आर नोन एज क्वाड्रेंट। ईच पार्ट को क्या कहते हैं, ये टोटली आपका क्वाड्रेंट है। इस पार्ट आर नोन एज क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है बात, थोड़ा वीडियो लंबा हो तो कोई बात नहीं, बातें समझ में आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां तक तो समझ में आ रही है। यहां से जो एंगल का मेजरमेंट होता है ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री, यहां से ये 90 डिग्री और यहां से ये 90 डिग्री। ओके, यानी कि टोटल वन राउंड में, यानी वन रेवोल्यूशन जब कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री होंगे, 90 90 90 90 90 4 360 360 डिग्री। अब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये आपका नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे कि हम लोग इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वैसा ही ये भी है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा। तो देखिए इसमें होगा ये जीरो तो लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 ऊपर भी ये 1 2 3 4 ये इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 ये फिर -1 -2 -3 -4 -5। तो यहां तक समझ में आ रहा है, नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें जो भी नंबर का प्लॉटेशन करेंगे किसी भी पॉइंट का, तो उस पॉइंट का प्लॉटेशन जो हम लोग स्टार्टिंग में बताए ऑर्डर पेयर, तो ऑर्डर पेयर का मीन्स पहले एक्स उसके बाद वाई, तो एक्स का वैल्यू इसमें क्या है देखिए प्लस है, वाई क्या है ये भी प्लस है। समझ में आ रहा है, इसमें जो भी पॉइंट का प्लॉटेशन करेंगे तो वो आर पॉजिटिव। इसमें देखिए एक्स और वाई का प्लॉटेशन करेंगे, एक्स का वैल्यू क्या है नेगेटिव, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, यानी इसमें एक्स और वाई जो पॉइंट से हम प्लॉट करेंगे वो माइनस और प्लस होगा। थर्ड में एक्स वाई का ऑर्डर किस सिंबल में होगा, यानी कि माइनस और माइनस, यानी कि बोथ आर नेगेटिव। इसमें एक्स का भी वैल्यू नेगेटिव लेंगे और वाई का भी वैल्यू
निगेटिव, इसमें देख लीजिए एक्स वाई क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, वाई क्या है निगेटिव, तो इसमें जब भी एक्स का वैल्यू रखेंगे प्लस और वाई क्या माइनस, समझ में आ रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा आप लोग से पूछ दू, जैसे कि ए पॉइंट है 2 5, बी है -2 3, सी है 2 -3, डी है आपका -2 -3, ई है आपका 5.0, एफ जो है 0.5, तो आप बताएंगे ये किस क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो फर्स्ट दिया है 2 5, यानी एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू प्लस, तो प्लस प्लस दोनों है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। -2 -3, यानी एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस, एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस, एक्स का वैल्यू माइनस वाई का वैल्यू प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सी, एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू माइनस, एक्स का वैल्यू प्लस, एक्स का वैल्यू प्लस वाई का वैल्यू माइनस, यानी ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है। बी में दिया है माइनस और माइनस, एक्स का भी माइनस वाई का भी माइनस, एक्स का माइनस वाई का माइनस, बोथ आर निगेटिव, ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट इसमें देखिए ये प्लस प्लस, ये भी प्लस प्लस, तो ये कहा जाएगा लेकिन जीरो दिया है जी। तो ध्यान से देखिए एक्स और वाई में एक्स यदि जीरो दिया है, If x is 0, तो ये होगा y axis, x 0 होगा तो y axis, यदि y 0 तो ये जाएगा x axis, समझ में आ रहा है। यदि x का वैल्यू दिया है 5, y 0 है तो किस पर जाएगा, x axis पर, एक्स एक्सिस पर। अब ये एक्स जीरो दिया है, वाई का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस पर, एक्स का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 5 है, वाई 0, यानी ये पॉइंट आपका यहीं पर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका कितना 5.0, ये हो गया ई पॉइंट। एफ दिया 0.5, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू कितना 5, पॉजिटिव 4.5 है आपका 0.5, यह है आपका एक पॉइंट। यहां डी -2 -3, एक्स का वैल्यू -2, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू -3, ये यहां से ये आ जाएगा -2 -3, कौन सा पॉइंट है डी। सी 2 -3, 2 -3, एक्स का वैल्यू 2, वाई का -3, ये देखिए डॉट आंसर, ये हो गया, ये आपका क्या आंसर पॉइंट है सी पॉइंट 2 -3, समझ में आ रहा है। उसका बी -2 -3, सेकंड क्वार्टर, एक्स का वैल्यू -2 ये है और वाई का वैल्यू 3, ये दिया गया था ये पॉइंट, ये हो गया बी -2 और 3। उसका 2.5, एक्स का वैल्यू 2, ये ऐसे जाएगा, वाई का वैल्यू 5, ये ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये एक पॉइंट हो गया 2.5। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो हमने आप लोगों को बताया क्वाड्रेंट, कार्टेशियन प्लेन, डिफाइन, ऑर्डिनेट, एब्सिसा है? और क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव निगेटिव होंगे, तो ये आप अच्छी तरह से रिव्यू कर करके वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं कल के वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन करा देंगे
और जब क्वेश्चन एनसीईआरटी कंप्लीट होगा तो हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ेंगे। तो आज का क्लास इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।